आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के 70 साल भी भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है। सबसे अजीब बात यह है कि इन स्थानों के मालिक कोई न कोई भारतीय ही है, लेकिन अभी भी वहाँ विदेशियों को जाने की अनुमति है लेकिन भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं। इसके अलावा उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा क्षेत्र के आसपास के कई स्थान हैं जहां जाने के लिए सरकार से विशेष परमिट या इनर लाइसेंस परमिट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के 6 ऐसे स्थानों के बारे में जहां भारतीयों को ही जाने की अनुमति नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडसेट में। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्री कसोल कैफे, कसोल हिमाचल प्रदेश। यह एक इजरायली कैफे है जो हिमाचल प्रदेश में है। यह कैफे 2015 में उस समय सुर्खियों में आया जब इसने बिना पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिकों को अपनी सेवाएं देने से मना कर दिया। उत्तरी सेंटिनल द्वीप अंडमान। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन मुख्य द्वीप से अलग हो चुका है। उत्तरी सेंटिनल द्वीप अद्भुत समुद्री तटों, घने जंगलों और प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप अपनी भौगोलिक संरचना के कारण नहीं बल्कि यहाँ निवास करने वाले सेंटिनलीज आदिवासियों के कारण मुख्य द्वीप से अलग हो गया, क्योंकि ये आदिवासी नहीं चाहते कि कोई पर्यटक या मछुआरा इस द्वीप पर आए। यहाँ तक कि जब 2004 में सुनामी आई थी और इस द्वीप की जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, उस समय भी सेंटली जनजाति के लोग अपना बचाव करने में कामयाब रहे थे और द्वीप पर नुकसान का आकलन करने के लिए आने वाले भारतीय तटरक्षक बलों के हेलीकॉप्टर पर तीरों से हमला करते थे। चेन्नई का एक लॉज। चेन्नई में एक ऐसा लॉज है जो केवल विदेशी पासपोर्ट वाले ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इस लॉज का नाम हाईलैंड है। डेक्कन हेराल्ड अखबार में नो इंडियन पॉलिसी नाम से छपे उल्लेख के अनुसार इस लॉज में केवल वही भारतीय रुक सकते हैं जिनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट होता है। गोवा के कुछ समुद्री तट केवल विदेशियों के लिए आरक्षित है। गोवा के बहुत सारे समुद्री तट एवं रेस्टोरेंट के मालिक भारतीय नागरिकों के बदले विदेशी पर्यटकों को तरजीह देते हैं। ऐसा ही नजारा पुदुचेरी के समुद्री तट पे भी देखा जा सकता है जो भारतीय एवं फ्रांसीसी आर्किटेक्चर से घिरे हुए हैं और इनमें से कुछ समुद्री तट तथा रेस्टोरेंट केवल विदेशी पर्यटकों के लिए आरक्षित हैं। लक्षद्वीप समूह के कुछ द्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर प्रवेश करने के लिए भारत एवं विदेशी दोनों को परमिट की आवश्यकता होती है। विदेशी नागरिकों को केवल अगाती, कदमत और बंगरम द्वीप पर जाने की अनुमति है, जबकि भारतीय पर्यटक मिनिकाय और अमनी जैसे द्वीपों पर जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव। मलाना एक प्राचीन भारतीय गांव है जिसे अलेक्जेंडर महान द्वारा 326 ईसा पूर्व बसाया गया था। उस समय के कुछ घायल सैनिक जो यहां रुके थे उन्हें ही मलाना के लोग अपने पूर्वज मानते हैं। इन ग्रामीणों को मुझे मत छुओ उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके सामान को छूने की अनुमति किसी को नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को इस गांव की सीमा को पार करने की भी अनुमति नहीं है। इस गांव की भाषा कंसी है जो पवित्र मानी जाती है और बाहरी लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों को वे अपने मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं देते, क्योंकि ग्रामीण बाहरी व्यक्तियों को अछूत मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जगह जो भारत में होने के बावजूद भी वहाँ पर भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने विचार बताना ना भूलें।